सर, दो मिनट। अरे भैया, आज तो देव दीपावली, आज हम सबके लिए सौभाग्य का दिन है। अद्भुत देव दीपावली आज देखने का मुझे मौका मिला। विश्वनाथ जी के भी दर्शन किए, भैरव के भी दर्शन किए, लेकिन वास्तव में आज जो एक नया रूप चेहरा देखा बनारस का, बहुत ही आनंद आया। बहुत ही सुंदर दृश्य सभी घाटों का देखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से बनारस बहुत तेज गति से गत 4 वर्षों में यहाँ पे विकास हुआ है, एयरपोर्ट से अंदर आओ, सड़क इतनी सुंदर चौड़ी सड़क बन गई है। मैं आज कैंसर हॉस्पिटल देख के आया, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल यहाँ पे शुरू हो गया है, जो पूरे पूर्वी भारत को सेवा करेगा। आगे चल के BHU में एक बहुत विशाल कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है। टेक्सटाइल का बड़ा कॉम्प्लेक्स बना है, सफाई बहुत सुधरी है। अन्य अन्य विकास के कामों को देख के वास्तव में संतुष्टि होती है कि शायद देश में पहली ये प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। 70 साल हो गए आज़ादी के, बड़े बड़े लोग प्रधानमंत्री बने हैं इस देश में, लेकिन जितना काम बनारस में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, जितना विकास आज हमें बनारस में वाराणसी में देखने को मिलता है, मैं समझता हूँ और भारत के कोई इलाके में इतना विकास देखने को नहीं मिलेगा। शत शत नमन है और आप सभी बनारस वासियों को मेरा हृदय से शुभेच्छा है। आगे आप सबकी नया वर्ष बहुत मंगलमय हो।